चामुंडायै विच्छे क्या बोलता है बे? मिंडी क्या चल 100 का लगा चौका देखा पाएगा ले दाम दे दाम आज तो अपने भाई का लक है क्या लड़की है यार कहीं मैडम को चोट तो नहीं लगी ना आइए जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे सारे की अरे जरा रुकिए तो सही मैडम इतनी भी जल्दी क्या है
अरे एक बार इस प्यासे दिल की प्यास तो बुझा दो। छोड़ो मुझे। फिर चाहे जहां चली जाना। तेरी प्यास मैं बुझाता हूं। चला सुनने नहीं आया हूं। तुम्हें पता नहीं यहां नो एंट्री कर दिया गया है? मुझे लगा कि मैं यहां से एक मिनट में निकल जाऊंगी। तुम्हारा एक मिनट जिंदगी बर्बाद कर सकता था। अब रोना छोड़ो, चलो घर, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। अगर आप आज सही समय पर नहीं आते तो मेरे इज्जत के मायने खत्म हो जाते हैं। फिलहाल आंसुओं का कोई काम नहीं, इन आंसुओं को बाहर आने से रोको। पहले इन आंसुओं से डर था, लेकिन आपने इन आंसुओं को पोंछकर एक नई खुशी दी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये मुलाकात नए अफसाने की गवाह बन जाए। आ चल। सर। आओ राज, बैठो बैठो। सर मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, और कितना वक्त लगेगा मेरी बहन दीपिका का पता लगाने? आप कहे तो सीएम से बात करूँ। फिलहाल हमें सीएम की नहीं, तुम्हारी बहन दीपिका की बात करनी है। कब मिलेगी मेरी बहन बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी बहन दीपिका को ढूंढने की, मगर हमें अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है पुलिस इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रही, नहीं तो अभी तक मेरी बहन दीपिका मिल गई होती। इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है राज, आपकी बहन कहाँ गायब हो गई है कोई बताने को राजी नहीं है। इंस्पेक्टर राठौड़, क्राइम ब्रांच सब इस केस में लगे हुए हैं, और आप बेवजह पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं। मैं उसका भाई हूँ, तकलीफ तो मुझे भी होगी ना, कहाँ और किस हालत में होगी मेरी बहन दीपिका। हेलो जी, बोलिए। क्या एक सप्ताह में दूसरी लाश? ओ माय गॉड। हेलो हेलो, विक्रम ठाकुर जी सर, उस केस का क्या हुआ? सर मैं उसी केस के सिलसिले में लगा हूँ सर। हाँ अच्छा अच्छा, आप बेफिक्र रहिए। आप एक काम कीजिए, मेरा घर पर जल्दी आ जाइए। जी जी सर बिल्कुल, और सारी जानकारी दीजिए। जी सर। ओके जी सर, ठीक है आइए। ओके सर। सर मैं समझ रहा हूँ कि ये दीपिका का मामला लाला के दोस्तों से जुड़ा हुआ मामला है, मैंने इंक्वायरी की है। वो पिकनिक के बाद से ही सर वो गायब है, उसी केस में मैं लगा हूँ, आखिर क्लू नहीं मिल रहा। ढूंढो विक्रम ठाकुर, उसे ढूंढो, जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो।
सर सच कहूँ दीपिका एक पहेली बन गई है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ होगा। सर याद आए, उसके एक दोस्त ने मुझे बुलाया था। मैं चलता हूँ सर। ओके थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। और क्या बोलता भाई? झक्कास। ओए चल भाग। बेटा तुम एक पुलिस के जवान हो, सिर्फ जवान नहीं 3-स्टार पुलिस ऑफिसर, और इस देश में जनता पुलिस को अपना रक्षक समझती है और इस वर्दी को अपना सुरक्षा कवच। तो बेटा हमेशा रक्षक बने रहना, किसी भी लालच या डर से कभी भक्षक मत बनना। जी पापा, मेरी एक एक सांस देश की जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित है। मैं मर सकता हूँ लेकिन जनता के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। देखो तुम एक आम इंसान नहीं, कुछ खास हो। आम आदमी के कांधे पर कुछ छोटी मोटी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन तुम्हारे कांधे पर हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यस पापा। बेटा अपने आप को समझो, इस वर्दी की गरिमा को समझो, अपने कांधे पे लगे इन मेडल्स को समझो। ये सरकार ने तुम्हें यूं ही नहीं दिए, तुम्हारी ईमानदारी, जांबाजी और समझबूझ के लिए दिए। देखो तुम्हारी एक गलती किसी की भी जान ले सकती है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी जांबाजी हजारों जिंदगियों को बचा सकती है, है ना बेटा? जी हाँ डैडी। लो नाश्ता करो। विक्रम तुम वो चांद देख रहे हो? पता है उसकी चांदनी को पाने के लिए कितनी कायनात कितने बरसों से इंतजार कर, और वो रात सुहानी रात बन जाती है और उसकी चांदनी में पूरी कायनात बदल गई है। ऐसे ही तुम्हारे प्यार के उजाले में मैं हमेशा भीगती रहूंगी। मेरे सरताज, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी बाहों में है। मुझे अपनी बाहों में इस कदर खो जाने दो कि सारी दुनिया को भूलकर मैं सिर्फ तुम्हें याद रख सकूं। मैं भी तुम्हारे आंखों के रास्ते दिल में उतरकर धड़कन बनकर हमेशा तुम्हारे दिल में धड़कना चाहता हूँ। एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे भ्रष्ट और बेईमानों से सख्त नफरत है। इतनी नफरत जितनी एक भारतीय को आतंकवादियों से होती है। साथियों एक बात का ख्याल रखिएगा, प्रदेश का कोई भी गरीब इंसान सुबह भूखा तो उठता है लेकिन रात को भूखा सोना नहीं चाहिए। लो भाई करो आप ईमानदारी से काम। ईमानदारी? ईमानदारी क्या होती है? वही जो सीएम साहब के अंदर उबाले ले रही हैं। मंत्री जी कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी शराब छोड़कर
घर बैठकर दूध पीना पड़े। एक दिन में गर्मी निकल जाएगी मंत्री जी। सीएम साहब कहते हैं उन्हें जनता ने सीएम बनाया, तो क्या हम लोग अपने मर्जी से कुर्सी पे बैठे हैं? जाने दो मंत्री जी, हम कहां किसी के कहने से बदल जाएंगे। हेलो, क्या कब क्या हुआ, कुछ कहोगे? अरे घर पे इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया। ये तो बहुत ही गलत हुआ। मंत्री जी, ये जरूर किसी की प्लानिंग है। इंस्पेक्टर, प्लानिंग किसी की भी हो, सजा देने का अधिकार हमें है। पता लगाओ कि इस साजिश के पीछे कौन है। सर आप बेफिक्र रहें, मैं हूं ना। लोग आ गया, बाप का फोन। हेलो, हाँ जी सर, जी सर, ओके सर। मंत्री जी किसका फोन था? डॉन का फोन है, कल सबको बुलाया है बंगले पे। दौलत के नशे में इंसान कितना लापरवाह हो जाता है, ये तुम लोगों ने साबित कर दिया है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, तुम या तुम? एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे इस शहर में हुकूमत जमाना है। उसके लिए अगर मुझे लाशों की सीढ़ियों पर भी चढ़ना पड़े तो मुझे मंजूर है। जब मैं 10 साल का था तो एक खेल खेला करता, राजा और मंत्री का, और जिसमें राजा हमेशा मैं ही बनता था। एक बार मेरे दोस्त ने कहा कि तुम हमेशा राजा बनते, इस बार राजा मैं बनूंगा। तो जानते हो क्या हुआ, उसी वक्त उसकी लाश का सिंहासन बना के बैठ गया था मैं। आपको क्या लगता है कि नुकसान आपका हुआ, हमारा नहीं? मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं, अफसोस माल पकड़ने का नहीं, बात रुतबे की है। जिसे कमाने में बरसों लग जाते हैं और गवाने में एक पल। लेकिन चीफ, ये किसी की साजिश थी। साजिश करने वाला इंसान उतना ही खतरनाक जितना हाथी के लिए लालची। जो भी हो, उसको ढूंढ के उसके परिवार के साथ उसको खत्म कर दो। दोबारा हमारे खिलाफ कोई उठने की हिम्मत ना करे। सर आप बेफिक्र हो जाइए सर, मैं उसका नाम इस शहर से हमेशा के लिए मिटा दूंगा सर। जाओ, कुछ गुड न्यूज लेके ही आना, नहीं तो अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। जाओ। ओके सर। तुम बड़ी खूबसूरत हो, जी करता है तुम्हें हमेशा बाहों में रखूं। पूजा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैं हर रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। आई लव यू पूजा। नहीं, अभी मेरा लास्ट ईयर है ना, फिर नौकरी, फिर मम्मी के परमिशन के बाद शादी। मुझे तुम्हारी दो बातें ठीक नहीं लगी, एक नौकरी वाली बात, लोग क्या कहेंगे। क्यों, क्या प्रॉब्लम है नौकरी से? एसीपी की होने वाली बीवी और नौकरी करे, मुझे ये ठीक नहीं लगता। नहीं, मैं लोगों की परवाह नहीं करती। तो फिर किसकी परवाह करती हूँ? सिर्फ तुम्हारी। नहीं पूजा, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आई लव यू। अरे यार, तू आज नोट्स लेके आई थी कि नहीं? नहीं यार, भूल गई। पूजा, मैंने मंगवाए थे। रुको पूजा। हाँ। पूजा, अरे क्या बात है पूजा, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, क्यों अवॉइड कर रही हो मुझे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझ में क्या कमी है? हाथ छोड़ो मेरा, बदतमीज। पूजा, तुझे ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है।
क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? मैं बहुत अर्जेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और तुमने मुझे अपनी यादों से निकाल दिया। ओ पूजा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना? अरे क्या हुआ? जी तो रहे हो, तभी तो मुझे इतने दिनों से अपनी सूरत भी नहीं दिखाई। ओ पूजा, मैं क्या करूं, पुलिस की नौकरी ही कुछ ऐसी है। इतना ही प्यार है ना अपनी नौकरी से, तो उसी से शादी कर लो। मुझसे शादी करनी है तो आज शाम को तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। आज नहीं, कल प्लीज। आखिर कौन है जो हमारे से हमारी बादशाही छीनने की कोशिश कर रहा है? जो भी है, लेकिन इतना नुकसान करके उसने अपना मकसद साफ कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ हमारे गिरेवान तक पहुंच जाए। हाथ उठाना तो दूर, वो हमें नजर उठा के देख ले, हम उसे दुनिया से आजाद कर। अब लगता है हमें ही मैदान में उतरना पड़ेगा। लगता है आजकल हमारे लव ने हमें याद करना ही छोड़ दिया है, इसलिए मन में ख्याल आया क्यों ना कल हम मिलके अपने लव का दीदार कर ले। कल आओगे ना मुझसे मिलने? अपने चांद का दीदार करने की चाहत इन आंखों को भी है जान, लेकिन क्या करूं, ये कानून है जो तुमसे मिलने की इजाजत नहीं देता। क्या बात है, मिसेस एसीपी का चेहरा इतना उदास क्यों है? छोड़ना यार, तेरी इस उदासी का इलाज है मेरे पास, और इलाज ये है कि कल हम पिकनिक जा रहे हैं, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा और एसीपी की यादें भी नहीं सताएंगी। नहीं यार, उन यादों को इतनी इजीली भूल पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ओके, पर कल हम पिकनिक चल रहे हैं, ओके? ओके। पूजा, अब तुझे मैं कल बताऊंगा। कितना मजा आया ना? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। वन मिनट। ओके। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट। कौन? तुम्हारा चाहने वाला लकी। कल तुम पानी में बहुत सेक्सी दिख रही थी यार। तुम्हारा वीडियो एमएमएस बनाकर पूरे कॉलेज में दिखाता हूँ, पॉपुलर हो जाओगी तुम। क्या बकवास कर रहे हो लकी? बकवास नहीं पूजा, तुम्हें तुम्हारे थप्पड़ की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लकी, मुझे तुमसे कुछ बैठ के बात करनी है, क्या तुम कॉलेज के पास वाली कैंटीन में आकर मुझसे मिल सकते हो? हाँ क्यों नहीं, श्योर। कौन था पूजा? वो लकी था ना जिसे हमने थप्पड़ मारा था, उसने हम दोनों का एमएमएस बना लिया है। अब वो जाकर पूरे कॉलेज में दिखाएगा। अब मैं क्या करूं यार? तो टेंशन क्यों लेती है, एसीपी साहब को कॉल कर, वो हैंडल करेंगे। ये ठीक कहा तूने। हाँ हाँ पूजा बोलो। विक्की, वो लकी ने मेरा नहाते हुए वीडियो बना लिया है और वो मुझे फोन करके धमकी दे रहा था कि पूरे कॉलेज में दिखाऊंगा। अब मुझे डर लग रहा है, उसने पूरे कॉलेज में दिखा दिया तो। तुम डरती क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कहाँ हो तुम? मैं कॉलेज की कैंटीन में हूँ। रुको मैं आ रहा हूँ अभी। हाय स्वीटहार्ट, योर लकी इज हियर। बोलो क्या हुआ? शौक है ना तुझे लड़कियों का वीडियो बनाने का? तू पुलिस वाला है ना, देख लूंगा तुझे, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह का नाम आज तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। शेर के साम्राज्य में रहकर शेर की औलाद हो गए, पुलिस वाले से मार खा के आगे तुम लोग। अगर मेरे जीते जी इस शहर में राज नहीं कर सके तो मेरे मरने के बाद तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। अभी वक्त है
शेर बनो शेर। सॉरी डैडी, हम आपकी बरसों पुरानी बादशाहत पर आंच नहीं आने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसको सबक सिखा कर रहेंगे। मैंने तुम्हारे लिए दौलत के समंदर बना रखे हैं, क्योंकि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। एक जेब में पुलिस और दूसरी जेब में मंत्रियों का काफिला, फिर शहर तुम्हारी मुट्ठी में। हर दिल के अंदर इतना डर पैदा कर दो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरे बादशाह का नाम बदनाम ना करो। लाला जी, माय बाप, गलती हो गई, रहा नहीं। देखे काम कर, तू जाके ना उस लड़की का सेल्फी लेके आ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। और एक सेल्फी ले ले। अरे ओए, इतना दूर क्यों खड़ा है, पास तो। क्या बात है। अच्छा तो तुमने भेजा था उस बाहुबली को मेरे पीछे मुझे परेशान करने के लिए। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई एम सॉरी पूजा, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज। सॉरी सॉरी क्या? सॉरी माय फुट। प्लीज पूजा प्लीज। अरे देता मेरे भोले दिल को करा।
इस तरह बुलाने का क्या मतलब है? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? तुम्हारी डॉनगिरी 2 मिनट में भुला दूंगा। तुम जैसों का पागलपन दूर करना मुझे अच्छे तरीके से आता, समझे? एसीपी, पूजा मेरे बेटे की जिंदगी है, तो उसकी जिंदगी छीनना चाहता है? मैं उसका एक पल भी तुझे छीनने नहीं दूंगा, समझा? बरसों से यही तो करते आए हो, दूसरों के सपनों से रंग चुराना। तुमने अपने घर की दीवारें तो रंग ली है, लेकिन मेरे मामले से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि सपने देखने से भी डर लगेगा। वर्दी में भले तुझे जनता अपना हीरो समझे, मगर तू हीरो नहीं रे, बहुत कमीना है रे, बहुत कमीना। मेरा विक्रम अगर कमीना है तो तुम जैसे देश गद्दारों की वजह से। ए लड़की, तू इसके प्यार में अंधी और पागल हो चुकी है। तुम जैसों का पागलपन दूर करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। देख, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन हमसे टकराएगा तो मुंह की खाएगा। जा, देखेंगे मुंह की खाएगा। बादल, सुन मेरी बात ध्यान से सुन। वहां अपने ही लोग हैं। हाँ, मंत्री जी भी अपने ही हैं। किसी बात की चिंता मत करना, बिंदास जा। और हाँ, डिलीवरी ठीक टाइम पे पहुंचा देना, और पैसे भी लेते आना वहां से। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी रे? पुलिस तो अपनी है। अरे, रोज सुबह थानेदार आके राम राम बोल के जाता है। चिंता मत कर, तू कोई नहीं पकड़ेगा तुझे। हाँ ठीक है, आ जाना, शाम को मिलते हैं। हमें इस प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा हेमंत, आप जाके वहाँ बैठे, मैं इनसे मिल के आता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, जाइए। आखिर तुम नहीं सुधरोगे? हेलो। हेलो विक्रम। हाँ बोलो पूजा। तुम्हारे पापा के डर से मेरे पापा इतने सहम गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी जिंदगी तुम हो पूजा, और मेरी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे है। तुम घबराती क्यों हो? एक काम करो, जाके तुम डैड से मिलो। हेमंत, हेमंत, आप यहां सपना देखने आए हैं क्या? सॉरी सर। आने दो कल। इस पूजा की तो ऐसी आरती उतारूंगा, ऐसी आरती उतारूंगा कि देवी बनने का सपना छोड़ देगी। मैं हमेशा धुएं की तरह ऊपर रहा हूं, पर यह मुझे राख की तरह नीचे और खुद को धुएं की तरह ऊपर ले जाना चाहती है। पर वो ये नहीं जानती कि मैं वो हवा का झोंका हूं जो अच्छे से अच्छे धुएं का नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि हम हैं दादा ठाकुर। दादा ठाकुर। क्या हुआ दादा ठाकुर? क्या हुआ तो तू ऐसे पूछ रहा है जैसे हातिम ताई है अभी के अभी सारी परेशानी दूर कर देगा। चल जा, जा अपना काम कर। वो लड़की दादा ठाकुर के बेटे विक्रम को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहती है। मगर नादान वो ये नहीं जानती कि हर खुशी के बंगले में गम की खिड़कियां भी होती हैं, और ज्यादातर वो खिड़कियां दादा ठाकुर लगाता है। दादा ठाकुर। आज उसे खुशियां दिख रही हैं,
कल उसे गम दिखेगा और जब गम बर्दाश्त नहीं होगा तो आने वाला कल उसे सिर्फ मौत देगा, मौत। पानी लीजिए मैडम। ठाकुर साहब अभी आ रहे हैं। हे भगवान, बचा लेना, कोई टेंशन ना हो जाए। तुम टेंशन देने आई हो या टेंशन लेने आई हो? पैर मत छुओ, नहीं तो गरीब हो जाएंगे और फिर मैं अपने पैरों से हाथ धो बैठूंगा। अंकल, मैं समझी नहीं। गरीब का मतलब समझती हो? जो किसी काम का नहीं होता और वो अगर किसी को टच कर दे तो वो भी किसी काम का नहीं रहता, समझी नादान? तुम मुझे अपाहिज बनाने आई हो। बात करो मगर दूर से। अंकल, आपको गरीबों से इतनी नफरत क्यों है? गरीब होना कोई पाप तो नहीं है? खामोश, गरीब किसी काम का नहीं होता और जब से तुम विक्रम की जिंदगी में आई हो मुझे गरीबी नजर आने लगी है। अगर तुम विक्रम के बिस्तर तक पहुंच गई तो गरीबी सर पर बैठकर तांडव करेगी, तांडव। मैं गरीबी को अपने घर के आसपास तक भटकने नहीं देता, उसे भला अपने सर पर कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, कैसे? मगर मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। प्यार? ₹5 का टिकट खरीद कर लोकल में सफर करने वाली लड़की आज चार्टर्ड प्लेन खरीदना चाहती है। सुनो लड़की, विक्रम से शादी करने का ख्याल अपने भेजे से निकाल दो, समझी? विक्रम भी मुझसे प्यार करता है। क्या कहा? विक्रम भी तुमसे प्यार करता है? ये रही तुम्हारे प्यार की कीमत, इसको लो और यहां से 1-2-3 हो जाओ, समझी कि नहीं समझी? हाँ, निकल जाओ यहां से। मैंने ये बंगला, गाड़ी, ये दौलत, ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया है और इसे मैं इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा, समझे? सुनो लड़की, मैंने पहले तुम्हें समझाया, फिर पैसा दिया और अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे माँ बाप को खत्म कर दूंगा। अंकल, ऐसा मत करिए प्लीज। उसके बावजूद भी नहीं मानी तो मैं अपनी औलाद विक्रम को ही खत्म कर दूंगा, समझी? अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हो ये? क्योंकि मुझे गरीब और गरीबी दोनों से सख्त नफरत है, सख्त। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें यमराज चाहिए या स्वराज। ये रहा मेरा फैसला। Thank you.
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? भूल गए कि मैंने आपकी कितनी सेवा की है? सेवा तो तूने अपनी भारत माता की नहीं की, हमारी क्या करेगा? आखिर आपने अपनी औकात दिखा दी ना सर? जिस तरह एक शिकारी कुत्ता बुढ़ा हो जाता है तो पुलिस वाले उसे अपनी फोर्स से बाहर निकाल देते हैं। नोट लिए ना हमसे, काहे का एहसान? तुम तो अपनी सगी माँ के नहीं हुए तो देश के क्या होगे? हमें देशभक्ति के गीत मत सुना अग्रवाल, रोज सुनते हम। रुपयों की लालच में मैं भी कितना अंधा हो गया था कि तुम आतंकवादियों को नहीं पहचान सका, पर हाँ एक बार खुद की नजरों में जिंदा जरूर होऊंगा मरने से पहले। तुम्हें तुम्हारी बर्बादी तक पहुंचा के ही दम लूंगा। अरे हमारी बर्बादी तक क्या पहुंचाएगा? निकल निकल इंस्पेक्टर। हमारी बर्बादी। तुझे पैसा दिया लेकिन तू नहीं मानी, क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिट। प्यार, मोहब्बत, जिंदगी। अच्छा तुम्हें प्यार की फुल फॉर्म पता है? नहीं। नहीं मैं बताता हूं। पास से परेशानी, या से याद, और रस रखना। परेशानी याद रखना जिंदगी भर, क्योंकि कीड़े मकोड़े इस घर में नहीं रह सकते, कभी नहीं। तो इसलिए मैं इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फोन उठाओ पूजा, फोन उठाओ। विक्रम बेटा खाना खा लीजिए और शराब मत पीजिए। और ये फोन किसको लगा रहे हैं? पूजा को काका, पूजा को। घंटी बज रही है ना? हाँ काका, मगर फोन नहीं उठा रही है। कल से घंटी भी नहीं बजेगी। क्यों काका, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा, नहीं। विक्रम, विक्रम बेटा, ये क्या पागलपन है? क्या हुआ? मैं नहीं, भगवान मेरे साथ पागलपन कर रहा है, मेरी किस्मत मेरे साथ पागलपन कर रही है, आप मेरे साथ पागलपन कर रहे हैं। बेटा तुम अभी शराब के नशे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। मैं तो बोल रहा हूं आप कर रहे हो। भगवान ने माँ दी, माँ को छीन लिया, माँ का प्यार ना मिला, दौलतमंद बाप मिला, बाप का प्यार ना मिला, और आप मुझसे मेरी पूजा छीनना चाहते हो। बेटा विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, ये जमीन जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये धन दौलत, ये सब तुम्हारा ही तो है। और बेटा तुमने तुमने एक मामूली सी गरीब लड़की के लिए इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दिया, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है? क्या? डैडी सुन लो मेरी एक बात, आप कान खोल के सुन लो। मैं शादी करूंगा तो पूजा से ही करूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा। विक्रम, विक्रम बेटा जरा समझदारी से काम लो। विक्रम बेटा मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी भलाई के लिए लड़ रहा हूं और तुम मुझसे ही लड़ रहे हो। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। जिस घर में
पूजा नहीं, उस घर में विक्रम नहीं। विक्रम, ये क्या नादानी है? पागल हो गए हो तुम? ये पागलपन नहीं विक्रम, तुम मरने जा रहे थे? नहीं बेटा, आज तुम्हारे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी है। तुम्हारे प्यार की जीत हो गई है। मैं दौलत के नशे में चूर हो गया था बेटा। विक्रम बेटा, आज से इस घर में वही होगा जो तुम चाहोगे। हाँ बेटा, तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा। गले लग जाओ बेटा। डैडी, अब तो तू खुश है ना बेटा? जिस लड़की को तू चाहता था उसी से शादी हो रही तेरी है? अरे बेटा, तूने पूजा को फोन किया? हाँ डैडी। उससे बात हुई? हाँ बात हुई ना। अच्छी बात है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरे शहर को इनवाइट किया जाए। वो शहर की जितनी भी नाचने वालियां हैं सबको बुलाया जाए और लोगों को पता चलना चाहिए कि डॉन के बेटे की शादी है। क्यों? अच्छा बेटा बताओ, तुम पूजा को क्या गिफ्ट करना चाहते हो? डैडी, मैं सोच रहा था उसे कार गिफ्ट करूँ। BMW 7 सीरीज। ओ, डॉन का बेटा है, बड़ी बात ही सोचेगा। मालिक। क्या लाए हो बाबा? बहुत शर्मिंदा हूँ मालिक, और आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपका शगुन लौटाने आया हूँ मालिक। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम है शादी की सब तैयारियां पूरी हो चुकी है और शगुन लौटाने आए हो? हम सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। माफ करना माई बाप, शादी एक पवित्र बंधन है जो पसंद से शुरू होता है और सात फेरों पर समाप्त होता है। और फिर मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद भी नहीं करती है। मुझे वो पसंद करके अपना बनाए, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने पसंद करके उसे अपना बना लिया है। और रही बात शादी की, वो तो आज ही मैं उससे करके रहूंगा। ससुर जी को पास वाली कोठरी में ले चलूंगा, क्योंकि कन्यादान के लिए इन्हें बार बार आना नहीं पड़ेगा। मेरे भाई का दिल दुखाने वाली लड़की और उसके बाप का क्या करना है? आदेश कीजिए अंकल आप। ये तुम्हारी चाहत कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मेरी बेटी सही कहती थी कि तू बदमाश, गुंडा है, देशद्रोही है। ले जाओ इसे। स्वीटहार्ट, अपने पापा का आशीर्वाद लेना चाहती हो तो पास वाली कोठरी में आ जाओ। बहुत अच्छा किया तूने। मैं बाद में देखता हूँ। जी सर। हेलो। हेलो जानू। हाँ पूजा। तुम जल्दी से पास वाली हवेली पे आ जाओ, लकी के सर पे खून सवार है, कहीं वो अपनी हार का बदला बाबा से न ले ले। अगर तू हाँ कर देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? क्यों बे, तू अपनी बेटी को परियों के शहजादी समझता था, अब तेरे ही सामने उसकी शादी होगी। डैडी, डैडी पुलिस आ गई। ओ, आ गए बिन बुलाए मेहमान। कोई बात नहीं, देखते हैं इनको भी हम। क्यों रे बुड्ढे, तुझे हाँ कर रहे हैं बड़ी शर्म आ रही थी। कम फास्ट। लो आ गए तुम्हारे बाप, और नाचो। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तुम पापा को देखो। Hey, arrest them. Yes, sir. खोलो बेटा। चलो चलो चल। कहाँ भाग रहा है बे?
उठ उठ। अबे पुलिस वाले मार लगी। रुक जा। सर इसका क्या करना है? छोड़ दो, चलो मेरे साथ। ओ गॉड, इसे क्या हो गया? सिट मैन, Can I help you? Oh God, sure. Yeah. नहीं हो रही है। गाड़ी काफी पुरानी है क्या? पुराना है, इसीलिए। मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। Right. आप किधर जा रही है? बस पास में वहाँ मेरे घर है। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। फिर गाड़ी? चलो इसको साइड में लगा देते हैं अभी। ओके। चलिए आपको मैं छोड़ देता हूं। थैंक यू। पता नहीं क्या होता, शायद मैं टाइम से घर नहीं पहुंच पाती। अरे ये तो डेस्टिनी है। हाँ वो तो है। थैंक यू। वेलकम। अगर आप आज नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। चलिए ना चाय पीते हैं। फिर कभी। ओके। अच्छा आपने नाम तो बताया नहीं। श्रेया। आनंद मंगल। Nice to meet you. Nice to meet you. Same here. Okay, bye. Okay, bye. Take care. Bye. Oh, Black Lion, तुम? आओ, कैसे आना हुआ? कोई मदद चाहिए? Black Lion किसी की मदद नहीं लेता। तो? बहुत हो गया तुम्हारा राज। अब तेरा क्या करूं? मुझे बताओ बॉस, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। क्यों, कर ले शामिल इसे। चलो ले जाओ इसे। अब इस शहर पे सिर्फ ब्लैक लॉयर का राज होगा। सिर्फ ब्लैक लॉयर का। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे नहीं लगता इसने कोई कानूनी काम किया होगा। इसने तो नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। सर आप तो मेरे ही मुंह की बात बोल गए। इतना कमीना सीनियर मुझे पहली बार मिला है। किसी को कुछ नहीं समझता है सर, सब अपनी मनमानी करता है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। और हाँ सर, वो एक लड़की से प्यार भी करता है और काम पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता है। उसका कैरेक्टर ही खराब है। अरे यार हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। कोई भी भगवान नहीं होता। लेकिन यार ये भगवान क्या इंसान भी नहीं है। मैं इसकी शिकायत सर से करने वाला हूँ।
सर, जो भी करना संभल के, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जो इस राष्ट्र का नहीं होता है ना, मैं भी उसका नहीं होता हूँ। ऐसे अधिकारियों से मुझे सख्त नफरत है। सर, मैं इस मिशन में आपके साथ हूँ। मैं इतना ईमानदार तो नहीं, मगर उतना बेईमान भी नहीं हूँ सर। मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना सर। सर, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ हूँ। मैं बड़े सर से मिलने जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करना कि बड़े सर मेरी बात मान लें। अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर मैं अपने हिसाब से निपटूंगा। जी सर। जी बोलिए। सर, मैं विक्रम ठाकुर की शिकायत लेकर आपके पास आया। क्या बात है, अभी तक तो बाहर के लोग शिकायत लेकर आ रहे थे, आजकल डिपार्टमेंट के लोग भी शिकायत लेकर आने लगे। ये जब से यहाँ आया है, शहर में चारों तरफ क्राइम बढ़ गए। हम वर्दी पहनते समय ईमानदारी और वफादारी की कस्में खाते हैं, लेकिन ये लापरवाही और बेईमानी की कस्में खा के आया है। बस इतना ही कि और कुछ? और सर, एक लड़की से प्यार भी करता है, रात भर फंक्शन करता है और दिन में करप्शन करता है। इसका मतलब वर्दी में रोमियो है। ऑफिसर, कुछ चाय ठंडा लोगे? चाय ठंडा नहीं सर, थैंक्स, पर आप प्लीज इसका कुछ कीजिए। कुछ कीजिए? इसका तो हम बहुत कुछ करेंगे। हम इसको ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ इसकी रोमियोगिरी और इसकी लापरवाही दोनों ही खत्म हो जाएगी, और इसे याद आएगी तो सिर्फ इसकी नानी। थैंक्स सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपको उम्मीद करनी भी चाहिए। ओके, अब आप जा सकते हो। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। ये हरामजादा अपन लोग के खिलाफ मुखबरी कर रहा था। ये शायद भूल गया था कि ब्लैक लाइन के खिलाफ जो मुखबरी करेगा उसका यही अंजाम होगा। जो साला अपने खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। चलो, खत्म हो गया इसका काम। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं श्याम सुंदर बोल रहा हूँ सर, रामनगर से। बोलिए सर। यहाँ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, प्लीज जल्दी आ जाएं। ओके, मैं आता हूँ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। पुराने एसीपी को आपने इतना अर्जेंट ट्रांसफर क्यों कर दिया? सर, हमारा पुराना एसीपी क्राइम रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा, लेकिन हाँ, मोहब्बत में बड़ा कामयाब रहा। और जब भी नाकामी की वजह पूछो तो बड़े बेतुके से जवाब देता था। और मैं ठहरा एसपी, मुझे मीडिया, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक सबको जवाब देना था, और मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रहा था। ओके, फिर अभी एसीपी के बागडोर किसको दे रहे हो? इसी सवाल पे तो आके अटक गया हूं सर, प्लीज हेल्प मी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, परेशान मत हो, मैं देखता हूं, जल्दी किसी अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट करता हूं। मगर सर, बहुत सोच समझकर ऑफिसर भेजिएगा, क्योंकि शहर में क्राइम हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इतना बढ़ चुका है कि आए दिन डकैती, हफ्ता वसूली, किडनैपिंग, अनगिनत कंप्लेंट आ रहे हैं सर। सर, जब से ये ब्लैक लायन आया है, सबका जीना मुश्किल हो गया है। यूं कही है कि लोग जिंदा होते हुए भी लाश की तरह घूम रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, मगर आप परेशान ना हो, मैं जल्दी किसी होनार और जाबाज ऑफिसर को भेजता हूँ। ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ड्यूटी। तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है ना, 24 घंटे काम काम, सिर्फ काम। कभी अपने लिए भी टाइम निकाला करो। आज तो निकाला है ना।
तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। तुम उन बंदों में से हो जो शादी किए और घर बसा लिए। तुम्हें किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सीरियसली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? हाँ, मतलब है, मेरा काम, मेरी ड्यूटी ही मेरी गर्लफ्रेंड है। आई लव इट। वो तो दिख रहा है। हेलो। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। हमने आपका एसीपी ढूंढ निकाला है। बहुत ही जाबाज किस्म का एसीपी है। वो जहां भी जाता है इतिहास पढ़ता नहीं, इतिहास लिखता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ सर। उस एसीपी का नाम क्या है सर? अश्विन कुमार सक्सेना। वो क्राइम और क्रिमिनल से ऐसे नफरत करता है जैसे एक तलाकशुदा वाइफ अपने हस्बैंड से करती है। और वो तुम्हारी सिटी के लिए निकल चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। ओके। पुराने डॉन को मारकर मैंने ये कुर्सी हासिल की है। और ये गद्दार अजगर का बेटा मुझे मारने की सोच रहा था। मेरा नाम ब्लैक लॉयन है। दुश्मन की सोचने से पहले मैं ये जान लेता हूँ कि दुश्मन क्या सोचने वाला है। मगर सर, ये तो आपका वफादार था। वफादार था डायना, गद्दार था। आदमी वफादारी करने से पहले गद्दारी ही करता है। बॉस, इस कुत्ते की लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। नेकी पूछ के नहीं की जाती राणा। कुत्ता था, कुत्ते की मौत मरा, और इसका अंतिम संस्कार भी कुत्ते की तरह ही किया जाए। मैं कुछ समझा नहीं बॉस। तुम समझते राणा तो आज ये कुर्सी तुम्हारी होती। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाए उतना करो। इस कुत्ते की मौत पर एक जश्न तो बनता है डायना। यस सर। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। ए, कौन है बे तू? May I come in, sir? Come in. Jai Hind, sir. Jai Hind. बैठो। Thank you, sir. ACP अश्विन कुमार, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तुमसे पहले जो ACP था, बहुत ही गैर जिम्मेदार और लापरवाह किस्म का इंसान था वो। इसलिए मैंने उनका ट्रांसफर रातों रात करवा दिया, क्योंकि मर्डर, फिरौती, डकैती, चोरी बिल्कुल आम हो चुकी थी। आज पूरे शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुराने एसीपी है। मुझे सब पता है सर, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि एसीपी अश्विन कुमार जहां भी जाता है वहां क्राइम टिक नहीं पाता है, क्योंकि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से सख्त नफरत है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वेरी गुड। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर बुलाया है, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा सपना जरूर पूरा करोगे। मेरा सपना है क्राइम यहां से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। आपके सपने जरूर पूरे होंगे सर। जय हिंद सर। जय हिंद। Thank you.
राणा, ये बस्ती आज रातों रात खत्म हो जानी चाहिए। यस बॉस। बॉस, आपका प्लान क्या है? मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैसीनो बनाना चाहता हूँ। कैसीनो? यार श्रेया, कॉलेज खत्म होते ही ना मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। बट आई मिस कॉलेज डे। आई मिस यू। आई मिस यू बेबी। पर तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस तो कर सकती है ना, आफ्टर ऑल तुम्हारी लाइफ है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई नो यू विल। मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कोई हैंडसम सर राजकुमार ना मिल जाए मुझे। कम ऑन डूड, मेरी भी लाइफ है, मेरे भी कुछ सपने हैं। अब चल सपनों के बल का घर चल। आज मिला है मौका। छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे कोई देख लेगा तो क्या होगा, प्यार किया तो डरना क्या। छोड़िए, आने दो आपके बेटे को। आपकी हीरोगिरी ज्यादा बढ़ती जा रही है, शिकायत करूंगी उससे। अरे शिकायत क्या करती हो मैडम, आपका बेटा तो पुलिस ऑफिसर है, FIR दर्ज करा दो हमारे खिलाफ। मैं जानती हूँ FIR करने से ना कोई फायदा नहीं है, आप कभी भी नहीं सुधरने वाले। देखो ना आनंद की माँ, सुबह से शाम तक तुम किचन में लगी रहती, मुझसे प्यार करना तो दूर की बात, बात करने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन भगवान की दुआ से ना बहुत जल्द इस घर में बहू आने वाली, और बहू के आते ही तुम घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू को दोगी और अपना टाइम सिर्फ मुझे दोगी। प्लीज शर्म करो, शर्म। इस उम्र में भी ऐसी बातें करते हो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। क्यों जी, आपका बेटा के संविधान में संशोधन करके कोई नया कानून पास करवा के लाया, प्यार करने का अधिकार क्या 20-25 साल के लोगों को है? हमारी उम्र के लोग क्या रोमांस ही कर सकते? अरे हमारी उम्र में ज्यादा रोमांटिक होना चाहिए और ज्यादा रोमांटिक बातें भी करनी चाहिए। क्यों? अरे क्योंकि ये जिंदगी चट्टान पे है, ढलान पे नहीं। अरे जिंदगी का एक एक दिन निकलता जा रहा है जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है। अरे जितना भी वक्त मिला उसे हंसी खुशी प्यार से गुजारना चाहिए ना यार। ये लीजिए चाय लीजिए, हॉल में बैठिए और बेटा आता हूं। ठीक है, जो हुक्म। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ मैं पहुंचती हूँ। सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। आर यू श्योर? बता ना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी, कोई स्टेशन लेने जाना है। ओ अच्छा, ठीक है फिर तू जल्दी जा, आंटी वेट कर रही होगी तेरा। हाँ हाँ मैं जाती हूँ, तू भी चल। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। तुम लोगों को याद नहीं है क्या तुम लोगों का अंजाम क्या होगा? मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। कैसे कैसे छोड़ दें, बहुत दिनों बाद पकड़े हैं आज तो। बहुत मजा आ रहा है तेरे को, लड़की चाहिए। अच्छा वो तुम टाइम पर आ गए, पता नहीं मेरे साथ क्या होता।
कुछ नहीं होता। चलो थैंक यू। चलो आनंद। जहिन साहब आपने बुलाया? यस। छोटे मोटे गुंडों से लेकर डॉन तक जितनी भी फाइलें हैं जल्दी लेके आओ। जी सर अभी लाया। सर हाँ दीजिए। सर ब्लैक लॉयन से पहले ये डॉन था जिसकी फाइल आप देख रहे हैं। ब्लैक लॉयन इसी को मारकर इसके बंगलों पे कब्जा जमा लिया और अपना कारोबार चला। ब्लैक लॉयन पहले उसी का आदमी था ना? नहीं सर, ब्लैक लॉयन तो एक छोटा मोटा गुंडा था जो यहाँ के डॉन को मारकर वो छोटा मोटा गुंडा यहाँ का डॉन बन गया। पुलिस जब अपने पे आती है तो सबसे बड़ा गुंडा बन जाती है, इसीलिए आनंद पुलिस वाला गुंडा बनो ताकि हर कोई पुलिस से डरे गुंडे से नहीं, समझे? जी सर। अब मैं देखता हूं ब्लैक लॉयन कितना बड़ा डॉन है। देख मंत्री, तू मेरे काम में टांग मत अड़ा। तू जानता है ना कि मैं क्या कर सकता हूं? कौन हो तुम? तू यहां का डॉन है ना? मैं यहां का नया एसीपी अश्विन कुमार। तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है ना? मगर मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस से बड़ा डॉन कोई नहीं होता। मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आया हूं कि तेरी जिंदगी के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। पाप तो तूने बहुत कर लिए, मगर बचे हुए दिन गिनो, कुछ पुण्य भी कर लो, वरना रावण की तरह जला दिए जाओगे। ऐसे भी मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। तुम सबूत ढूंढते रह जाओगे और मैं क्राइम करता रहूंगा। सजा दिलाने से पहले तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। मैं कानून का खिलाड़ी हूं, मेरी दीवानगी का तरीका जरा अलग है। मैं सबूत नहीं ढूंढता, सिर्फ मुजरिम ढूंढता हूं। उम्र कैद हो या फांसी, जो भी सजा मुझे समझ में आ जाती है मैं सुना देता हूं। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। चलता हूं। सर इधर भी अवैध धंधे चल रहे हैं, शराब बनती है और ना जाने क्या क्या नशीला पदार्थ बनता है। आज के बाद कोई भी अवैध धंधा नहीं चलेगा, सबको उल्टा लटकाऊंगा। जाओ पकड़ो सबको। अब चलाएगा कोई अवैध धंधा, उसको डालूंगा मैं ये कानून का डंडा। वाह, पहली बार कोई ऐसे पुलिस वाले आए। सुन रे, पहुंच जाएगा तेरा माल, बार बार फोन लगा के डिस्टर्ब मत कर। जल्दी कर राजू। यस बॉस। क्या हुआ, अभी तक माल क्यों नहीं पहुंचाया? हाँ बॉस, हाँ भेज दिया हूँ, बस पहुंचने वाला होगा। और भी ज्यादा माल बनाने की कोशिश करो, माल चाहिए हमको। जी बॉस। राजू, शंभू, पाटिल, क्या कर रहे हो? शाम होने से पहले माल को भेजना है, नहीं तो बेरियलों पे पुलिस खड़ी हो जाएगी।
नहीं तो बॉस मेरी बाट लगा देगा। ए इंस्पेक्टर, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। ए इंस्पेक्टर, लोगों को मारने की दवा बना रहे, तेरी इतनी औकात, तुझे बताते था ये ब्लैक लाइन की भट्टी तक आ गया तू। ये ले, जस सर आपके साथ पीने का तो मजा ही कुछ और है सर। दिस इज द बेस्ट मोमेंट इन द वर्ल्ड सर। कॉलेज के दिन याद आ गए सर। इट्स कम्प्लीटली माय प्लेजर, यू डिजर्व इट सर। फिल्मों में तो ये दिखाया जाता है कि शराब पीने के बाद तो आदमी रोमांटिक हो जाता है सर। रोमांटिक नहीं, सेंटी होता है। शराब पीने के बाद सर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आती है सर, और कोई ख्याल नहीं आता है सर। ऐसा क्यों सर? मुझे क्या पता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। मुझे सब पता है सर। क्या पता है तुम्हें? आप श्रेया मैडम को पसंद करते हैं ना। कुछ भी मत बोलिए सर। शराब पीने के बाद आदमी सब सच सच बोलता है। पीने के बाद तुझे तेरी गर्लफ्रेंड याद आती है, पर मुझे पता नहीं क्यों मेरी आंखों के सामने श्रेया ही नजर आती है। सर आपको प्यार हो गया है? पता नहीं यार, जब से उसको मैं मिला हूँ, जब भी वो मेरे सामने आती है तो मन ही मन लगता है कि जो भी है मेरी है। पुलिस की ड्यूटी करते करते कठोर हो गया था, पर अब इस कठोर का दिल पिघला दिया है उसने। उसकी शरारत, नौटंकी सब मुझे अच्छी लगने लगी है। मैं तो कहता हूँ सर शादी कर लो, श्रेया मैडम बहुत अच्छी है सर। यार तूने तो मुझे सेंटी कर दिया है सर। अगली पार्टी आपकी शादी में। चीयर्स। चीयर्स। तो हमारा फोन भी नहीं उठाता है। अरे भाई आएगा तो दे दूंगा पैसे, क्यों परेशान कर रहे हो? जिस तरह जीने के लिए सांस जरूरी है, उसी तरह धंधा करने के लिए ब्लैक लाइन को हफ्ता देना जरूरी है। उठाओ इसको, गाड़ी में डालो। अरे, 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 ए, चलो। हेलो सर, मैं सुदामा नगर चूसला से बोल रहा हूँ। अभी अभी एक आदमी का अपहरण हो गया है। क्या? ब्लैक लाइन के गुंडे उठाकर ले गए हैं उसे। ओके ठीक है, मैं आता हूँ।
हरियाली हरियाली है। अपना भी कॉफी कॉर्नर दो भाई। हनीमून कॉफी या रैप कॉफी या ट्रायंगल लव कॉफी यार, कैसी कैसी कॉफी निकल गई यार, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लव कॉफी में तो बहुत टेंशन है, ट्रायंगल कॉफी में हमें तो टेंशन ही नहीं दिख रहा है। भाई मुझे तो कॉफी समझ में आता है, रेप कॉफी, गैंग रेप कॉफी और हनीमून कॉफी, ये अपने को समझ में नहीं आता है। बहुत झेलने के बाद ये कॉफी मिलती है भाई। तो रैप कॉफी या गैंग रैप कॉफी, ये दोनों में कोई मंगा लेते हैं यार। मंगा लो। अभी तो हमने कॉफी का ऑर्डर भी नहीं दिया और तुम कॉफी शॉप बंद कराने जा रही हो। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? बदतमीज से तमीज की उम्मीद रखती हो बेबी? हम बदतमीज थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हाथ छोड़ो मेरा। तुम लोगों को गैंग रेप या रेप कॉफी पीना है ना? इन दोनों कॉफी के ऑर्डर मैं लेता हूं। ए, इधर आ, तुझे भी कॉफी पीनी है ना? इधर आ, इधर इधर इधर। तुझे कौन सी कॉफी पीनी है? सर, सर, भूल गया मैं। इधर आ, भूल गया? मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि कौन सी कॉफी पीनी है। इधर आ, कौन सी कॉफी पीना था तुझे? अच्छा, भूल गया कि तुझे कौन सी कॉफी पीनी थी। बुला तेरे साथी को, बुला ना। बे, बे। कौन सी कॉफी पीनी थी इनको? भागो। थैंक यू। ऐसे मच्छरों से तो मेरा रोज पाला पड़ता है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। श्रेया, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने था, आंखें बंद हो तो भी, खुली हो तो भी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी रात सो पाई थी? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं दोहरा रही हूँ, पर सच तो ये है कि मुझे उस दिन प्यार का एहसास हुआ। पहले मेरे दोस्त प्यार व्यार की बातें करते थे तो मैं हंसता था, लेकिन जब मुझे प्यार हुआ तब ये एहसास हुआ कि सचमुच प्यार प्यार होता है। रोमियो जूलियट, शिरी फरहान, इन्होंने अपनी जान दी तो बिना वजह नहीं दी। सचमुच प्यार बहुत ही प्यारा होता है। अब तो बस तुम्हारे बाहों में रहने का दिल करता है। कभी भी कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। नैना कुछ कहे, कुछ लफ्ज अनकहे, तेरे नैना कुछ कहे, कुछ लफ्ज अनकहे, पढ़ने से पहले हो मुकम्मल वो दुआ। कुछ सुने ऐसा ही कुछ हो फलसफा, तेरे मेरे दरमियां ना रहे दूरियां,
पता नहीं मुझको, मैं लापता हूँ। खुशबू से तेरी मैं लिपटा हुआ हूँ। एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हूँ, तुझसे ही मेरा महकता है आलम। ऐसे में मुझको तू कहीं ले चल, तेरे साथ ही है मेरा अब हर जन्म। सुना है कि मुश्किल है मोहब्बत की राहें, तेरे दिल से मांगी है मैंने पना है। गुस्ताखियों को मेरी माफ करना, ऐसे ही मेरा हाथ थामे रखना। शिकवा न तुझसे न कोई गिला है, तू ही तो बन चुका है मेरा सनम। हेलो पापा। हेलो बेटा। माँ कहाँ है? अरे माँ कहाँ होगी, किचन में खाना बना रही होगी तुम्हारे लिए। माँ। हाँ बेटा। माँ जरा इधर आना। आ रही हूँ। हाँ बोल बेटा, क्या बात है, बोल जल्दी बोल, खाना बनाना है। माँ बैठिए। नहीं नहीं, खाना बनाना है। बैठिए ना, कुछ जरूरी बात है, खड़े रहोगी तो गिर सकती है। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस बेटा? नो, बट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अस। अरे तो बैठ के बात करो बेटा। माँ तुम मुझसे कहती थी ना बेटा तू शादी कब करेगा, इसलिए मैंने लड़की पसंद कर ली है। वाह बेटा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि बड़ी टेंशन की बात है, ये तो खुशी की बात है। नहीं माँ, टेंशन हमारे दुश्मन को भी ना हो, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ओह दैट्स अ गुड न्यूज़ बेटा। कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका? श्रेया नाम है उसका, हमारे ACP सर की बहन है। ACP की बहन, तो तुमने लड़की के घर वालों से बात की? नहीं, मैंने सोचा पहले आपसे परमिशन ले लूं। अरे इसमें परमिशन की क्या बात, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी खुशी में हमारी। थैंक यू पापा। Thank you.
आनंद, मैं पिछले 10 मिनट से देख रही हूँ कि तुम मौन धारण करके बैठे हुए हो। आखिर बात क्या है? कुछ तो बोलो। श्रेया, तुम कह रही थी ना मेरे जैसे बंदे शादी करके घर बसाते हैं। क्या मतलब तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? वही तो कर रहा हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। श्रेया, will you marry me? Yes. प्रॉमिस करो कि जिंदगी भर इसी तरह मेरा हाथ थामे रखोगे। अगर कोई मुश्किल, मैं हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो फिर अपने रिश्ते के बारे में भैया को बताते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ सर से। सर, खबरी आया है सर, आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना जरूरी है क्या? हाँ सर, वो तुम ही पूछ लेते। मैंने पूछा था, पर बोल रहा है कि आपसे ही मिलना है सर। ठीक है, भेजो उसको। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। बताइए क्या बात है? सर आपको पता है डॉन ब्लैक लॉयन का राइट हैंड डागा ने एक उद्योगपति के बच्चे को किडनैप किया है, और सर फिरौती की रकम करोड़ों में है। कल काली पहाड़ी के पीछे 3:00 PM उद्योगपति पैसे लेकर आ रहा है, अपने बच्चे को छुड़ा कर ले जाएगा। क्यों, उस उद्योगपति ने पुलिस कंप्लेंट किया है क्या? नहीं सर, डागा ने उसे धमकी दी है कि अगर पुलिस कंप्लेंट किया तो बच्चा छोड़ो बच्चे की लाश तक नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने कंप्लेन नहीं किया सर। खबर पक्की है? 100% पक्की है सर। हम जरूर इस पर कुछ एक्शन लेंगे। थैंक यू सर। निकालो इस पिल्ले को और बांध दो उस खंडर में। यस बॉस। ठीक है। चल। क्या हुआ, क्या हुआ आपके पैसे का? आपका पिल्ला आपको सही सलामत मांगता है कि नहीं मांगता है? हाँ सर। अच्छा चलो फिर जल्दी आओ इधर। जी जी मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आओ, चलो। लेकर आ रहा हूं मेरे बेटे, कुछ मत करना। समझदार हो। ये लो बॉस, इसको लेकर आया हूं। हाँ राणा, चलो। वावा गुड, खुश हो गया मैं। अब तुम्हारे खुश होने की बारी है। अब तो छोड़ दो मेरे बच्चे को। रामू छोड़ दे इस पिल्ले को। जी बॉस। पापा मुझे बहुत मारा, खाना भी नहीं दिया। अब हम जा सकते। मुझे लक्ष्मी की जरूरत थी, रावण की नहीं। चल निकल। ए, रुक। राणा कौन है ये लोग? हम बताते हैं, हम तीनों कौन हैं? तुम क्या बताओगे?
मैं बताता हूं तुमको कि मैं कौन हूं। सांप को जंगल में अकेला छोड़ोगे तो किसी न किसी को काट ही लेगा ना। सर ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। सुनो। क्या बात है मुस्कान, सुबह सुबह यहाँ? मैंने सुना गुंडों ने आप पे हमला किया। हमारी जिंदगी खतरों से भरी हुई है, मगर खतरों से खेलने की हमारी तो आदत सी हो गई है। हम तमाम लोगों पे हमला करते हैं, कोई हम पर भी हमला कर देता है। भगवान आपको हर मुसीबत से बचा के रखे। लेकिन तुमने बताया नहीं, सुबह सुबह कुछ काम से आई थी क्या? काम भी है और बहुत जरूरी काम है। अरे बाबा क्या काम है बताओ तो सही। पहले चलो गाड़ी स्टार्ट करो। क्या बात है बताओ तो सही। चलो भी फिर बताती हूँ। अभी क्या हो गया? अरे बाबा कुछ बताओ तो सही। पहले अंदर बैठो फिर बताती हूँ। हाँ बोलो क्या बात है। तुम मेरे मम्मी पापा से कब मिलने वाले हो? आनंद जब तुमने अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने क्या कहा? वो क्या कहते? मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा दोनों खुश हो गए। इससे पहले भी मेरे लिए बहुत शादी के रिश्ते आए थे लेकिन मैं मना कर देता था, लेकिन इस बार जब मैंने अपनी शादी की बात कही तो दोनों इमोशनल हो गए। मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते आए लेकिन मेरे दिल को किसी ने नहीं छुआ। अच्छा और मैं? तुम छुए मेरे दिल को, तुम तो मेरे दिल लेके फरार हो गए। तो फिर तुमने वो गाना नहीं गाया, दरोगा जी चोरी हो गई? असल में जो चोर था ना वो मेरे दिल के लॉकअप में था, इसलिए मुझे गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ी। डागा मेरा भाई था, तू नहीं जानता एसीपी, मेरा नाम ब्लैक लॉयन है। मैं यमराज को भी मरने पर मजबूर कर सकता हूँ। पानी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बार मटकी में आ जाता है ना तो उसे कोई भी पी सकता है। यही हशर करूंगा तेरा एसीपी। बॉस इतना परेशान ना हो, डागा का बदला जरूर लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा डायना, बदला लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। बॉस आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ऐसी सेटिंग करूंगा कि भगवान भी उसको मरने से नहीं बचा पाएगा। मगर बॉस आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग किस दिन काम आएंगे, वो एसीपी कुछ भी करता रहे हम लोग देखते रहेंगे क्या? तुम जो कुछ भी करोगे वो मुझे नहीं पता, मगर एसीपी के साथ मैं जो करूंगा वो भगवान भी नहीं जानता। एसीपी को ऐसी मौत मारूंगा कि ना किसी ने देखी होगी और ना ही किसी ने सुनी होगी, ना किसी ने लिखी होगी और ना ही किसी ने पढ़ा होगा। एसीपी तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जय हिंद सर। जय हिंद, आओ बैठो। मिस्टर आनंद मैंने आपकी जाबाज और ईमानदारी का पता लगाकर ही आपको यहां बुलाया है। थैंक्स सर। अब तुम्हारे दिल में यह सवाल होगा कि मैंने तुम्हें घर पर क्यों बुलाया, ऑफिस में क्यों नहीं बुलाया? जी सर। कुछ बातें ऑफिस से बाहर भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस में हम जिस करप्शन को मिटाने की बात कर रहे हैं उसमें पुलिस वाले भी लिप्त हो सकते हैं, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ बुलाया। सर आप निसंकोच हर जानकारी मुझसे ले सकते हैं और फिर ये आपका हक है, मैं तो एक मामूली सा सिपाही हूँ। आप आदेश कीजिए, आपके आगे ये राष्ट्रभक्त हमेशा खड़ा मिलेगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आगे का आप बताइए। आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आगे का क्या प्लान रहेगा। सारी फाइलें आप मुझे लाकर दीजिए।
उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। जी सर। ओके गुड। मेरी बहन के लिए तो आनंद जैसा लड़का मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आनंद की मेहनत और ईमानदारी की तो पूरा डिपार्टमेंट चर्चा कर रहा है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। देखिए, हमें ये रिश्ता तो उसी दिन मंजूर हो गया था जिस दिन आनंद ने हमें श्रेया के बारे में बताया था। इनफैक्ट हमने तो इसे अपने घर की बहू मान लिया था। बस इसे देखना और ये छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज बाकी थी। बेटी, तुम कितनी सुंदर हो, किसी की नजर ना लगे। आनंद जी सर, आपको कुछ कहना है? हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है। श्रेया भैया, मुझे आप सबके आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है बस। अरे बहुत बढ़िया, आप देख क्या रही हो आनंद की माँ, मुंह मीठा करवाओ सबका। ये लो मुंह मीठा करो, खाओ। मैं रह गया। आप भी ना। एसीपी एक बार बच गया लेकिन बार बार नहीं बचेगा। सूरज कितनी भी रोशनी क्यों ना दे दे लेकिन शाम होते होते अंधेरे में खो ही जाता है और अपना नामो निशान तक खो बैठता है। एसीपी के आफ्टरनून को इवनिंग में मैं बदलूंगा। एसीपी यहाँ आया नहीं, उसकी मौत उसे यहाँ ले आई है और वो यमराज के हाथों नहीं आपके हाथों से मरेगा। एसीपी के मरते ही हमारे सारे धंधे चलने लगेंगे और इसीलिए एसीपी का मरना बहुत जरूरी है। ब्लैक लायन का कोई दुश्मन तो हो सकता है मगर दुश्मन रहने के बाद में वो जिंदा नहीं रह सकता। एसीपी को अब तक मैंने मार दिया मगर नहीं मारा, इसकी वजह जानते हो तुम? जब मैं नहीं जानती तो ये लोग क्या जानेंगे? एसीपी को मैंने क्यों नहीं मारा इसकी वजह जानना चाहती हो तुम? मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया हूँ कि उसे कौन सी मौत मारना है। जिस दिन ये तय हो गया उस दिन एसीपी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे शहर में आतंक फैलाने का? इंस्पेक्टर, शायद तू ये नहीं जानता कि तूने किस जहरीले सांप के बिल में हाथ डाला है। शायद तुझे भी नहीं पता कि बिल चूहों के होते हैं, सांप के नहीं। इंस्पेक्टर, शायद तू ये नहीं जानता, इस विषय में अगर मेरे बॉस को पता चल गया तो तू गया। शायद दम नाम की चीज तुझमें है नहीं, इसलिए तू जो भी करते अपने बॉस के दम पे करता है। इंस्पेक्टर, या तो तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है या तो तू ये नहीं जानता कि ये कौन है। मुझे अपनी जिंदगी से भी प्यार है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये बहुत घटिया इंसान है, इसे तुझ जैसे देश के दुश्मनों का सपोर्ट है। इंस्पेक्टर, तुझमें जितनी गर्मी नहीं है उतनी तुझे वर्दी ने दे रखी है और वर्दी पहनने के बाद गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा हवा में उछलने लगता है। हवा में तू शुक्र मनो वर्दी का जिसने मेरे अंदर के शैतान को इंसान बना रखा है। अगर ये वर्दी नहीं होती ना तो तू भी नहीं होता। जी सर। ठीक है, चल निकल। चल राणा। बाय पापा। अरे बेटा यहाँ। हाँ बैठो। यस पापा। बेटा वो लड़की जिसके बारे में तुमने बात की थी, क्या नाम बताया था उसका? श्रेया नाम है उसका। ओ हाँ, श्रेया, अच्छा नाम है। अच्छा बेटा, तुमने श्रेया को अपने बारे में सब कुछ बताया? सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब बेटा कि तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, मेरे बारे में, अपनी माँ के बारे में। देखो, तुम श्रेया को अपना जीवन साथी बनाने वाले हो। मैं चाहता हूं कि जैसे तुम लोग आज खुश हो हमेशा ऐसे खुश रहो, तुम लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो। जी पापा, मैंने सब कुछ बता दिया है। वेरी गुड बेटा। लेकिन बेटा सिर्फ बताना ही काफी नहीं, उसके बारे में पूछना भी है। जैसे दूर से देखने से ऐसा लगता है कि आसमान जमीन को टच कर रहा है,
लेकिन पास जाके देखने से पता चलता है कि जमीन और आसमान में बहुत बड़ा फासला है। बेटा तुम एक पुलिस वाले हो, तुम चीजों को समझते हो, यह तुम्हारा फर्ज है। लेकिन क्योंकि श्रेया तुम्हारी जीवन साथी बनने वाली है, तो उसे समझना और उसे सब कुछ समझाना ये तुम्हारी डबल जिम्मेदारी है। एवरीथिंग इज ओके पापा, आपका बेटा एक पुलिस वाला है, इतना भरोसा तो आप कर ही सकते हैं। व्हाई नॉट बेटा, श्योर। गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सारा माल ट्रक पे लोड हो चुका है, अपने जितने भी शराब के अड्डे हैं उधर बराबर पहुंचा देना। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, समझे? जाओ। जी बॉस। छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, अब गलती नहीं करो। खड़ा हो। बोल, तेरे बॉस का नाम क्या है? सर सर मुझे नहीं मालूम। अरे तुझे तेरे बॉस का नाम नहीं पता? सर नहीं मालूम। कुछ बोला कि नहीं इसने? सर सर साले को इतना थोड़ा पर बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोल रहा है, सिर्फ घूरे जा रहा है। सर मुझे नहीं मालूम। बोल, जुबान खोल नहीं तो ठोकू तेरे को। सर मैं बताता हूँ, सर मैं सब कुछ बताता हूँ। स्टेटमेंट लिखो इसका। हेलो। हेलो, नमस्कार। नाम पूछने और जानने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन लगाया है। आपका बेटा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। बेटा बन के रहेगा तो फायदे में रहेगा। मेरा बेटा तेरे जैसा चोरू चक्का नहीं, पुलिस का जवान है, 3-स्टार ऑफिसर, कानून का पालन करता है, सेवक है कानून का, और जो कानून का उल्लंघन करते हैं ना उनका बाप है मेरा बेटा। हवा में पैर मत रखो वरना पछताओगे। हवाओं पे तो क्या, हम तो आसमान पे पैर रखते हैं, और अपनी पे आ जाए तो हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। रही बात पछताने की, तो वो चाहे पुलिस का जवान हो या सेना का जवान, जब वर्दी पहनता है ना तो वो किसी का बाप या बेटा नहीं होता, इस देश का बेटा होता है। और देश का बेटा तुझ जैसे 2% के गुंडे की धमकी से डरेगा? इतनी अकड़ ठीक नहीं है। अकड़ते तो बेजान है जैसे तू अकड़ रहा है। मेरा बेटा बेजान नहीं, पुलिस का जवान है। और मुझे समझाने और धमकाने की नाकाम कोशिश मत कर, हो सके तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। सरेंडर कर दे, फायदे में रहेगा, वरना मेरा जांबाज बेटा तुझे ऐसी मौत देगा जो भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। एक ही बेटा है तेरे पास, हमसे पंगा ना ले वरना पछताएगा। एक बात बता, तू गुंडा है या पागल है? वैसे पागल को भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो पागल है, वरना वो पागल कहां रहेगा। अब ये पागलपन का चश्मा उतार कर मुझे समझाना छोड़ और मेरी बात समझने की कोशिश कर। एक बार फिर से कहता हूँ, सरेंडर कर दे, जान बच जाएगी, वरना कुत्ते की मौत मरेगा तू, समझा? हेलो हेलो, 2% का टपोरी मुझे धमकी दे रहा था। बॉस, ये वही कुत्ता है जिसने एसीपी को अपने खिलाफ मुखबरी की थी। अरे आनंद बेटा, सोए नहीं अभी तक तुम? नहीं पापा। अच्छा बेटा, आज एक गुंडे का फोन आया था। वैसे मैंने उस गुंडे का टुंडा बना दिया। कौन सा गुंडा पापा, क्या नाम बताया था उसने? नाम तो शायद वो भी अपना भूल चुका होगा, और आज रात वो सोएगा भी नहीं। अच्छा उसका नंबर दीजिए जिस नंबर से फोन आया था। हाँ, ये नंबर है, 9324 वाला ये नंबर है। अच्छा ठीक है। वेल डन मिस्टर अश्विनी कुमार सक्सेना, जैसा सुना था वैसा देखा, तुमने तो क्राइम की कमर ही तोड़ के रख दी। अभी तो कमर टूटी है सर, मगर सांसें अभी भी चल रही हैं। जब कमर टूट ही गई है तो सांसें भी रुक जाएगी। जब से तुम आए हो एसीपी,
क्राइम जीरो हो चुका है। तुम्हारे नाम से क्रिमिनलों की पैन गिली हो जाती है। मैंने सुना है कि जितने भी डाकू चोर या क्रिमिनल है ये सब अपना काम धंधा बंद करके नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सर जब से एसीपी सर ने चार्ज संभाला है शहर एकदम शांत हो गया है। जी बिल्कुल सर, हमारी भी टेंशन कम हो गई है सर। बहुत अच्छे, वंडरफुल, यू डन अ गुड जॉब। तीखी? अरे बहुत मीठी मिर्ची थी यार। सर हमारा नंबर कब तक आएगा? आएगा और देख लेंगे दूसरी। हमारे बारे में भी सोचो बॉस। सबका लाइन लाइन से आएगा, चिंता मत करो। बस तुम लोग यार इसी तरह काम में दिल लगाओ, बहुत तरक्की होगी। ठीक है बॉस। जाकर आती हूँ, तुम चाय पी। जी माँ आप आइए। अरे हाँ भाई, बेटे की शादी होने वाली है, जाओ मंदिर पूजा प्रार्थना करो। चलिए आप भी। चलो जाओ। बेटा। जी पापा। उस दिन वो जो गुंडे का कॉल आया था उसे हमने लाइटली लिया। लाइटली लेने का एक कारण था, क्योंकि तुम्हारी माँ को अगर पता चल जाता तो वो टेंशन में आ जाती। हमें उस गुंडे की कॉल को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जी पापा जी, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ उन लोगों को। नहीं बेटा, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं डरा हुआ, लेकिन उस गुंडे ने फोन तो किया था और धमकी भी दी थी। बेटा हो सकता है वो सब कुछ फेक हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कोई कदम उठा, इसलिए तुम्हारे कदम जमीन देख के उठने चाहिए, वरना पैरों में कीचड़ भी लग सकता है। जी पापा जी, आपकी बात सही है, वैसे भी आप पिता हैं, पिता की हर बात सही होती है। वैसे तो बेटा गरजने वाले कभी बरसते नहीं, लेकिन कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहना हमारा फर्ज है। जी पापा जी, जिस गुंडे ने आपसे फोन पर बात की थी उसकी तो मैं बोलती बंद करा के ही दम लूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से सिचुएशन को हैंडल कर। जी पापा जी। डायना, ऐसे भी वो कौन सी मौत मारना है सोचा है? सोचा है, लेकिन कल बताती हूँ। राणा, तुमने कुछ सोचा है? सोचा तो है बॉस, लेकिन अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा हूं। तेरे रोमांस का टाइम खत्म हो गया। ब्लैक लायन का टाइम कभी खत्म नहीं होता। Really?
सक्सेना सर, ये लो। आनंद, भाई गिरी